ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। जब भी किसी व्यक्ति को प्यार में धोखा होता है या धोखा होने वाला है तो उन्हें ये संकेत मिलते हैं। इन संकेतों को भी आप समझें और अगर आपको धोखा मिल रहा है और अपने प्यार को आप बचाना चाहते हैं तो उसके उपाय भी आप जानें कि हम उन्हें कैसे बचा पाएं और ग्रहों के अकॉर्डिंग क्या जो सिचुएशन बनती है जिसे हम सही करें। लेकिन देखिए, ये संकेत मैं बताऊँ उससे पहले निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको प्यार में धोखा होता है या ऐसी कोई भी परेशानी होती है तो कभी भी किसी भी तांत्रिक या किसी भी ऐसे इंसान के चक्कर में ना आए जो ये कह देगा कि मैं सब सही कर दूंगा, आप मुझे ये दे दीजिए, वो कर दीजिएगा। दरअसल आप पहले ही भावनात्मक रूप से टूटे हुए और इस तरह की चीज़ों में और अपने आर्थिक रूप से समय वक्त और आप परेशान हैं, तो सावधान आपको इस सभी विषय को लेकर रहना है। दोस्तों, सबसे पहला और मुख्य संकेत है कि जब भी अगर प्यार में कोई धोखा हमें देता है तो उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। उसका व्यवहार पहले कैसा था, अभी कैसा है, आप खुद उस बदलाव को ऑब्जर्व करेंगे। दूसरी बात होती है, बार बार झूठ बोलना शुरू हो जाता है कि किसी बात को लेकर वो झूठ बोल रहा है, आपको समझ आ जाता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है शक। शक की दवा इस दुनिया में नहीं, शक जहाँ होता है वहाँ कई सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाती है। इसके अलावा जो एक और संकेत है, मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा, लेकिन इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो एक महत्वपूर्ण गलतफहमियाँ और गलतफहमियाँ जितनी सारी अगर जो क्रिएट होती है वो राहु के अकॉर्डिंग होती है। राहु ही है ऐसा ग्रह है जो लोगों के बीच गलतफहमियाँ पैदा करता है और उस वजह से दो प्यार करने वाले या दो व्यक्तियों के बीच व्यवहार खराब हो जाते हैं। उसे सही करने में बताऊँगा। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपको लग रही है कि प्यार में धोखा हो रहा है या हम तकलीफों में, तो सबसे पहले तो आपको शांत रहना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और दूसरी बात कि अगर वो धोखा दे रहा है तो आप भी उस रिश्ते से बाहर निकलें, आप ठहरे नहीं और आप भावनात्मक रूप से अपने को मजबूत बनाएं, क्योंकि अगर आप मजबूत बनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने गुरु मंत्र का जप करें, अगर नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जप करें, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदे पहुँचाएगा। और इससे भी बड़ी बात जो आपको करना चाहिए कि आप बहुत महत्वपूर्ण खुद से प्यार करें। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको खुद के मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।